नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है. जनरली जब भी क्वेश्चंस आते हैं इवेल्यूएट, तो इवेल्यूएट करने में कुछ ना कुछ एक न्यूमरल वैल्यू मिलती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्यों आपको वैल्यू निकालनी है इसकी. तो इस केस में भी हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू आए. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है. तो मैंने ये प्लान करा कि ये वाली टर्म तो ज़ीरो है, और इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म अगर ज़ीरो बन जाए तो मतलब दो ज़ीरोज़ क्रिएट हो जाएंगे इस कॉलम में. तो उसके लिए हमने ये सोचा कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा तो बराबर नहीं है, लेकिन क्यों ना अगर मैं इसको कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब ये टर्म्स बराबर दिखने लग जाएंगी. तो ये भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगी और ये भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगी, तब सब्ट्रैक्ट करने से बेनिफिट मिल सकता है. तो ये अकेला कॉस अल्फ़ा तो बनेगा नहीं, तो पूरी रो को ही हमें कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये अकेला भी साइन अल्फ़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे पूरी रो से ही हमें साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वन में तो आप कॉस अल्फ़ा टाइम्स आर वन कर दीजिए, और आर थ्री में आप साइन अल्फ़ा टाइम्स आर थ्री कर दीजिए. अच्छा, बेनिफिट क्या मिलेगा इसका कि इधर भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जनरेट हो जाएगा रो थ्री में, और इधर भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जनरेट हो जाएगा. और फिर अगर आप इन दोनों रोज़ को ऐड करते हैं तो वन ऑफ द एलिमेंट विल बिकम ज़ीरो. तो रो टू में तो ज़ीरो पड़ा ही है, तो रो वन में भी ज़ीरो आ सकता है, अब अगर हम रो वन प्लस रो थ्री ऑपरेशन लगाएंगे तो. लेकिन अगर आप किसी भी रो में कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होगा. दैट मीन्स कि अगर मैं कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को अंदर भेज रहा हूँ, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को मुझे बाहर डिवाइड में भी लिखना होगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी कॉन्स्टेंट के से अगर किसी भी रो को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स, वो के टाइम्स हो जाएगी. तो इसलिए के से मल्टीप्लाई करा और के से डिवाइड भी कर दिया. तो साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई भी करा और साइन अल्फ़ा से डिवाइड भी कर दिया. देखो फ़ायदा क्या होगा, पहली रो में कॉस अल्फ़ा भेज रहे हैं हम, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, कॉस बीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, साइन बीटा बन जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपने आप आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे रो टू में नो चेंज, तो रो टू विल बी रिटन एज इट इज़, ये सेम का सेम रहेगा. रो थ्री में यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन बीटा, एंड ये वाला जो है वो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बन जाएगा. अच्छा, अब आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, या तो आप साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉमन भी ले सकते हैं, और वो मुझे बेनिफिट लग रहा है कि इस कॉलम में से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो प्लस वन एंड माइनस वन दिखेगा हमें. तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जैसे ही मैंने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉमन लिया, तो एक साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवीजन में चल रहा था, एक मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन रह जाएगा. अच्छा, इधर क्या बचेगा, एज इट इज़ मैं सब कुछ लिख रहा हूँ. फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम भी सेम रहेगा, सिर्फ थर्ड कॉलम में से मैंने कॉमन लिया. साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा, एंड थर्ड कॉलम में यहाँ माइनस वन, इधर जीरो, इधर वन रह जाएगा. अच्छा, अब क्या करना होगा, माइनस वन एंड प्लस वन तो जीरो बन सकते हैं. तो व्हाट वी विल डू इज, हम आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू या आर वन प्लस आर थ्री लगाते हैं. फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, मैं इधर साइड में लिख के बता रहा हूँ कि जब ये और ये ऐड होंगे तो क्या होगा कि कॉस बीटा इसके पास भी है, कॉस बीटा इसके पास भी है, तो कॉस बीटा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन. तो दिस मीन्स कि यहाँ पे तो कॉस बीटा आ जाएगा, तो मतलब पहली टर्म बन जाएगी कॉस बीटा. अच्छा, इन दोनों में साइन बीटा इसके पास भी है, साइन बीटा इसके पास भी है, तो हमने साइन बीटा कॉमन ले लिया, और इधर भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वन, तो ये हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे ये ज़ीरो बन जाएगा, ये तो रो वन की बात रही. नेक्स्ट रो टू, विल रिमेन सेम. रो थ्री, क्योंकि आर वन में ही ऑपरेशन लगाया तो केवल आर वन ही बदलेगा, एल्स हमारी सारी रोज सेम रहेंगी. साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा,
एंड वन। अब हमारे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट आ गया जिसमें ये वाली थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम में दो जीरोस बन चुके हैं, तो हम लोग एक्सपैंड करेंगे अबाउट थर्ड कॉलम। सो एक्सपेंशन अबाउट कॉलम नंबर थ्री। सो कॉलम नंबर थ्री में ये वाला उठाते हैं प्लस के साथ, ये उठाएंगे माइनस के साथ, और ये उठाना होगा हमें प्लस के साथ। दैट मीन्स वन उठाया हमने, वन वाली रो छोड़ देंगे हम लोग, वन वाला कॉलम छोड़ देंगे हम लोग, इन दोनों में लेफ्ट डायगनल माइनस राइट डायगनल लगाएंगे। सो ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, एंड साइन इंटू साइन, एक साइन तो प्लस में और एक साइन माइनस में है, तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और लेफ्ट डायगनल माइनस राइट डायगनल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होने की वजह से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, विच इज़ इक्वल टू वन। तो इसका मतलब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, और वो जो फंक्शन है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स फंक्शन है। तो जैसे कॉस एक्स, टू साइन एक्स, ये मतलब डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो न्यूमरल नहीं है, वो फंक्शंस रखे हुए हैं। आपको ये डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना है, और इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद में एक लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, तो उन लिमिट्स का यूज़ में अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो फैक्टराइजेशन करना होगा, ये सब चीज़ें करके हमें कैसे भी करके 0/0 फॉर्म हटा के और फिर लिमिटिंग वैल्यू क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स डिटरमाइन करते हैं और फिर लिमिट में डालेंगे। तो एफ एक्स के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली रो है, इसमें से एक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने सबसे पहला यही काम करा कि इस वाली रो में से एक्स को बाहर निकाला। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, टू साइन एक्स, साइन एक्स, वन 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 वन, टू एक्स एंड एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया अभी। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ बने ताकि हम फिर एक्सपैंड कर दें इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ बनाने के लिए मैंने सोचा कि कौन सी रो ज़्यादा सुटेबल रहेगी। तो इन दोनों को कंपेयर करा जब मैंने, कि कॉलम थ्री का डबल दे रखा है, कॉलम थ्री में एक्स है तो यहाँ टू एक्स है, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ टू साइन एक्स है, डबल दे रखा है कॉलम टू में। तो मैंने सोचा दोनों एक साथ ही ज़ीरो बनेंगे, तो कॉलम टू में से मैंने डबल कॉलम थ्री रिमूव करा। सी टू टेंड्स टू सी टू माइनस टू सी थ्री, तो कॉलम वन में नो चेंज, कॉलम टू में ये भी ज़ीरो बन गया। और क्योंकि वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, और ये भी ज़ीरो बन जाएगा। अच्छा, कॉलम थ्री साइन एक्स वन एन एक्स, क्योंकि कॉलम थ्री में नो चेंज था, ये हो गया। अच्छा, अब ये दो ज़ीरोज़ बन चुके हैं, एक बाहर में एक्स भी चल रहा है, ये एफ एक्स है। तो मैंने सोचा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। अच्छा, जो हम एक्सपेंशन कैरी करेंगे वो उस रो या उस कॉलम के अबाउट करते हैं जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हों। तो मुझे ज़्यादा ज़ीरोज़ दिख रहे हैं कॉलम टू में, तो एक्सपेंशन अबाउट कॉलम टू। अच्छा, जब भी आप एक्सपेंशन करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपको माइनस के साथ उठाना है, ये प्लस के साथ उठाना है, ये वाला माइनस के साथ उठाना है। तो इसका मतलब माइनस वन का साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस वन उठाएंगे हम लोग, और माइनस वन वाला रो छोड़ देंगे, माइनस वन वाला कॉलम छोड़ देंगे, चार एलिमेंट्स बचेंगे, इनमें लेफ्ट डायगनल माइनस राइट डायगनल लगाएंगे। मतलब कॉस एक्स तो मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, और साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा वन के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस एक्स इंटू एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, और एक बार सबसे एक्स चल ही रहा है। तो दिस मीन्स के जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो चेक करते हैं क्या आ रही है। सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड माइनस इंटू माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स, ये हमें वैल्यू मिल रही है एफ एक्स की। ये एफ एक्स की वैल्यू लेके हम लोग लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करें। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा हमसे वो ये पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू डालनी है और नीचे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हमें ये इवेल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, न्यूमरेटर में एफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। एफ एक्स है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स,
और नीचे डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर और लिमिट लगानी होगी एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो। सो आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही आप एक्स की वैल्यू जीरो डालते हैं तो ये वाली जो फॉर्म क्रिएट हो रही है वो जीरो बाय जीरो फॉर्म क्रिएट हो रही है विच इज़ इनडिटर्मिनेंट। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो कोशिश करते हैं कोई मेथड डिटरमाइन हो जाए जिससे हमें इनकी वैल्यू मिल सके। तो हम ये एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को हमने एक्स स्क्वायर के साथ अलग डिवाइड करा और एक्स साइन एक्स को हमने एक्स स्क्वायर के साथ अलग डिवाइड करा और दोनों के साथ ही हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो चल रहा है। अच्छा अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे एक एक्स कट गया, एक एक्स तो फिर भी बचा हुआ है। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो दिस इज इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी वन के बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स की। और कॉस के अंदर आप जीरो डाल देंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू भी क्या होती है वन, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी है सो माइनस वन प्लस वन विल बिकम जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो। तो हमसे पूछा इन्होंने लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इसका क्या आने वाला है जीरो। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया। तो पहले एक डिटर्मिनेंट दिया होता जो कि फंक्शन था, वो फंक्शन डिटरमाइन करा, उस फंक्शन को हमने लिमिट में डाला, लिमिट सॉल्व करी, तो डुअल कंसेप्ट हो गया, लिमिट का भी कंसेप्ट लग रहा है इसमें और डिटर्मिनेंट्स का भी कंसेप्ट लग रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इलस्ट्रेशन, दैट इज कि एक एबीसी तीन पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं आपको और तीनों ही अनइक्वल हैं। अब अनइक्वल का मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, मतलब ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको नेगेटिव मिलेगी। और इसको ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें बी इधर है, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम दे रखे हैं और कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है अगर मैट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वापस से यही मिल जाएगी आपको, तो इसका मतलब ट्रांसपोज लेने से तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो हम लोग क्या करें इसमें, हम डायरेक्टली एक्सपेंशन करते हैं रो वन के अबाउट और देखते हैं क्या बन रहा है। तो एक्सपेंशन अबाउट रो वन, इसमें प्रॉपर्टीज़ का तो कुछ लिखा नहीं हुआ, नेगेटिव प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो रो वन के अबाउट एक्सपैंड करा, सबसे पहले इसको प्लस के साथ उठाना है, इसको माइनस के साथ उठाना है एंड इसको प्लस के साथ। तो ए हम लोगों ने लिया, ए लिया तो बी सी माइनस ए स्क्वायर बना, फिर हम लोगों ने बी लिया वो भी माइनस के साथ, तो वो रो छोड़ दी जिसमें हमारे पास बी आ रहा था वो कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी बना। एंड हम लोगों ने सी लिया तो वो रो छोड़ दी जिसमें सी आ रहा है वो कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास ए बी माइनस सी स्क्वायर बना। अब ये ए बी सी आया, माइनस ए क्यूब बन गया, माइनस बी क्यूब बन गया, प्लस ए बी सी आया, प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। सो व्हाट आई फाउंड इज कि अगर मैं इनमें से सब में से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ए क्यूब आ रहा है प्लस में, बी क्यूब आ रहा है प्लस में क्योंकि नेगेटिव तो मुझे लाना ही है, सी क्यूब आ रहा है और साथ में माइनस थ्री ए बी सी मिल रहा है। अब कैसे भी करके मुझे इन सबको पॉजिटिव प्रूव करना है, टू प्रूव पॉजिटिव कि ये वाला जो एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, और बाहर मेरे पास एक नेगेटिव चल रहा है तो अल्टीमेटली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट को नेगेटिव प्रूव किया जा सकता है। अब इसको पॉजिटिव लाएं कैसे हम लोग, तो हमने ये प्लान करा कि फैक्टराइजेशन की एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, और ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करने की कोशिश की, तो हमें मिला सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और साथ में एक नेगेटिव भी चल रहा था। अब हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन तो पहले भी देखा हुआ है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ फिर से एक बार। टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और जो ऊपर वाला टू है न्यूमरेटर वाला वो अंदर चला जाएगा तो टू ए स्क्वायर बन जाएगा, टू बी स्क्वायर बन जाएगा, टू सी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टू ए बी टू बी सी टू सी ए। थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी अभी हमने सीखा है ये लास्ट लेक्चर में। तो माइनस का हाफ ए प्लस बी प्लस सी
अच्छा ये वाला जो ए स्क्वायर है, 2a², इसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन तीनों को मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो हम इन तीनों को मिला के लिख देंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एंड लास्ट में जो हमारे पास बचा हुआ है, एक तो ए स्क्वायर बचा है, सी स्क्वायर बचा है माइनस 2ac, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक ये चल रहा है और इसके साथ में चल रहा है माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी आर अनइक्वल और ए बी सी आर पॉजिटिव, मतलब दो चीज़ें आपको दे रखी हैं ए बी सी के बारे में। एक तो आपको ये बताया गया है कि ए बी सी पॉजिटिव है, मतलब इनमें से एक भी नेगेटिव नहीं है, और दूसरा ये बताया गया है कि ये ए बी सी में से सभी अनइक्वल हैं, एक भी इक्वल नहीं है। तो इन दोनों का बेनिफिट उठाते हैं कि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए माइनस बी करेंगे तो जीरो तो नहीं आने वाला, बी माइनस सी करेंगे तो भी जीरो नहीं आने वाला, सी माइनस ए करेंगे तो भी जीरो नहीं आने वाला, और ए बी सी पॉजिटिव है। तो ए बी सी अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं इफ ए बी सी ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का अगर सम करेंगे, तीन पॉजिटिव्स का अगर आप सम करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो पॉजिटिव है। अब ये वाले एक्सप्रेशन में ये अनइक्वल है तो ए माइनस बी कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो ए माइनस बी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो आप। अब जीरो नहीं है तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, हमेशा जो आपको टर्म मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए माइनस बी का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बी माइनस सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और सी माइनस ए का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। ये तीनों आपके पास पॉजिटिव चल रहे हैं, और तीन पॉजिटिव्स को अगर आप ऐड करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो पॉजिटिव मिलेगा। और इस पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में अगर आपने एक पॉजिटिव को ही मल्टीप्लाई करा तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब माइनस हाफ अल्टीमेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस हाफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो क्वांटिटी बनने वाली है वो नेगेटिव बनने वाली है। और अल्टीमेटली वो आएगी क्या वो भी लिख देते हैं हम, ये हमने मेंशन कर दिया माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर, वो ये आने वाली है। सो द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, और ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस सेंस में है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और वो जीरो के बराबर है, और आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है पी अपॉन पी माइनस ए, क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, आर अपॉन आर माइनस सी। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली करना क्या होगा, आपको पी माइनस ए जनरेट करना है, क्यू माइनस बी जनरेट करना है, आर माइनस सी जनरेट करना है। तो पी माइनस ए के लिए तो ये दोनों सप्रैक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली क्यू माइनस बी भी आ जाएगा, और आर माइनस सी के लिए ये दोनों सप्रैक्ट कर दो तो ये सी माइनस आर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं आर वन में से तो आर टू हटा देता हूँ, आर वन टेंड्स टू आर वन माइनस आर टू, और आर थ्री में से भी आर टू हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस बनेंगे। देखो सबसे पहला एक्सप्रेशन बनेगा पी माइनस ए, ये चाहिए था, बी माइनस क्यू भी आ रहा है और सी माइनस सी ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है। अच्छा आर टू में नो चेंज, और रो थ्री में ये जीरो हो गया, बी माइनस क्यू आ गया और आर माइनस सी भी बन गया, तो ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गया और ये डिटर्मिनेंट मुझे जीरो के बराबर दिखा है, और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या करा, इसको एक्सपैंड कर दिया,
एक्सपैंड कर देते हैं अबाउट रो वन, तो रो वन के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पी माइनस ए, पी माइनस ए मिला तो जिस रो में पी माइनस ए आ रहा है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में पी माइनस ए आ रहा है वो कॉलम छोड़ दो, और लेफ्ट डायगनल माइनस राइट डायगनल लगाओ, तो क्यू इंटू आर माइनस सी, इधर लिख रहा हूँ मैं, माइनस सी इंटू बी माइनस क्यू, सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी माइनस क्यू से, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट टर्म, ये तो प्लस के साथ उठाते हैं, इसको माइनस के साथ उठाना है, तो इसका मतलब ये हुआ अब हम जिस रो में b माइनस क्यू आ रहा है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में b माइनस क्यू आ रहा है वो कॉलम छोड़ देंगे, तो ये b माइनस क्यू वाली रो छोड़ दी, b माइनस क्यू वाला कॉलम छोड़ दिया, तो हम अब लिखेंगे b माइनस क्यू के बारे में कि माइनस टाइम्स b माइनस क्यू, और वो रो छोड़ दी वो कॉलम छोड़ दिया, और लेफ्ट डायगनल माइनस राइट डायगनल लगाएंगे, तो a इंटू आर माइनस सी और c इंटू जीरो करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो इसको नहीं लिख रहे हम। अच्छा, इज इक्वल्स टू जीरो चल रहा है। अब आप ना ब्रैकेट्स को देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको खोलना होगा, पी माइनस ए को खोलना नहीं है आपको, आर माइनस सी को नहीं खोलना, बी माइनस क्यू को नहीं खोलना, क्योंकि ये तो सब चाहिए हमें, तो इसमें आपको पी माइनस ए को आपने क्यू इंटू आर माइनस सी से मल्टीप्लाई करा, पूरा एक्सपैंड मत करना, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, और अब पी माइनस ए को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा, सी इंटू बी माइनस क्यू के साथ। नाउ बी माइनस क्यू इंटू ए इंटू आर माइनस सी भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल्स टू चल रहा है जीरो। अच्छा, व्हाट वी नीड इज कि पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी ये सब डिनोमिनेटर में चले जाएं, तो मैंने क्या करा, डिवाइड ईच टर्म बाय पी माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी, मुझे कैसे भी करके इनको डिनोमिनेटर में पहुंचाना था, तो मैंने हर टर्म को इससे डिवाइड कर दिया, तो मतलब जैसे पहली टर्म है ये है p माइनस ए क्यू आर माइनस सी, और इस टर्म को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों से, p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी। नाउ सेकेंड टर्म है हमारे पास p माइनस ए सी एंड b माइनस क्यू, और अब हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी। थर्ड टर्म हमारे पास b माइनस क्यू ए आर माइनस सी है, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं या नहीं हो रही है। अच्छा, इक्वल्स टू जीरो नहीं चल रहा है ये यहाँ पे गलती से मैंशनड हो गया, जीरो के बराबर नहीं दे रखा ये, या दे रखा है, अच्छा दे रखा है, सॉरी इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं, जीरो के बराबर दे रखा है, तो हर टर्म जीरो के बराबर दे रखी है। अच्छा, अब क्या करना होगा, अब देखो आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, पी माइनस ए से पी माइनस ए, आर माइनस सी से आर माइनस सी, इधर भी पी माइनस ए से पी माइनस ए, और क्यू माइनस बी है और इधर बी माइनस क्यू है, तो अगर मैं क्यू माइनस बी बनाऊंगा तो ऊपर एक माइनस वन रह जाएगा, ऐसी पी माइनस ए नहीं है, आर माइनस सी से आर माइनस सी, क्यू माइनस बी नहीं है ऊपर, लेकिन क्यू माइनस बी बनाऊंगा तो इधर माइनस वन रह जाएगा, तो देखो क्या क्या रह गया, सबसे पहले मैं क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, अगले में माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, और सी अपॉन आर माइनस सी, एंड नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन पी माइनस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है जीरो। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी ये देखते हैं, हमें चाहिए था p अपॉन पी माइनस ए, यहाँ पे q अपॉन q माइनस बी, देखो q अपॉन q माइनस बी है हमारे पास, तो ये वाली टर्म तो है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमें a नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें p चाहिए था इस जगह। अच्छा, अगला है हमने c अपॉन r माइनस सी लिखा है, तो c अपॉन r माइनस सी इधर भी है, तो इसका मतलब इन दोनों को तो डिस्टर्ब नहीं करना, ये दो टर्म्स को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसी को करना है। तो अच्छा, इसके लिए क्या करें हम, हमें यहाँ पे p अपॉन p माइनस ए लाना है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे ज़बरदस्ती माइनस ए प्लेस कर देते हैं और माइनस भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो कोई पूरी इक्वेशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सभी एलिमेंट्स को बाकी सबको सेम रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस ए रख दिया। क्यों माइनस ए रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी माइनस ए है। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करा कि इधर p ऐड भी करा
और पी सप्रैक्ट भी करा, तो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, सेम ही क्वांटिटी को आप ऐड भी कर रहे हो और सप्रैक्ट भी कर रहे हो, तो ये बनेगा क्यू अपॉन क्यू माइनस बी सेम। नेक्स्ट सी अपॉन आर माइनस सी सेम, और यहाँ माइनस है तो दैट मीन्स अब अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, पी माइनस ए को मैं अलग डिवाइड कर रहा हूँ पी माइनस ए के साथ, और पी को मैं अलग डिवाइड कर रहा हूँ पी माइनस ए के साथ, इज इक्वल्स टू में चल रहा है ज़ीरो। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, वन बन गया, दैट मीन्स ब्रैकेट दोबारा से मैं रीओपन कर रहा हूँ, तो क्यू अपॉन क्यू माइनस बी सी अपॉन आर माइनस सी माइनस वन प्लस पी अपॉन पी माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा ये माइनस वन इधर है, इसको यहाँ ले जाओ तो ये प्लस वन हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गॉट पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस सी अपॉन आर माइनस सी इज इक्वल्स टू वन। अच्छा क्या सी अपॉन आर माइनस सी चाहिए था? नहीं, ये हमें चाहिए था आर अपॉन आर माइनस सी, तो इसके साथ भी यही करना होगा हमें। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टेप में कर रहा हूँ मैं चेंजेस, कि जैसा इसके साथ किया वैसा ही इधर करना होगा, हमें इधर प्लस की जगह माइनस यूज़ करना है ताकि इधर भी माइनस आ जाए, और अगले स्टेप में हम लोगों को इसके साथ भी यही करना है कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस आर और माइनस आर कर दें हम यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आर, और फिर हम लोग अलग अलग डिवाइड करें तो सी आर माइनस सी अलग बन जाए, तो ये स्टेप पूरा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए अब क्या बनेगा, ये माइनस साइन लगा हुआ है तो ये आर माइनस सी अपॉन आर माइनस सी तो आएगा ही, साथ में माइनस आर अपॉन आर माइनस सी भी आ जाएगा। फिर हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे, देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन बन जाएगा, और जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये मैं एक बार पूरा ही इसको इरेज कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन क्यू माइनस बी माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस आर अपॉन आर माइनस सी माइनस वन प्लस पी अपॉन पी माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पी अपॉन पी माइनस ए प्लस आर अपॉन आर माइनस सी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन और माइनस वन, ये दोनों मिलके माइनस टू हो जाएंगे, और इसको आर एच एस में ले आएंगे तो प्लस टू हो जाएंगे। तो यही हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। दोबारा से देखें, p अपॉन p माइनस ए प्लस q अपॉन q माइनस बी एंड r अपॉन r माइनस सी, यही हमें निकालना था। तो इधर देखिए आप, p अपॉन p माइनस ए q अपॉन q माइनस बी r अपॉन r माइनस सी, इनकी वैल्यूज वैल्यू निकालनी थी जो कि 2 आ गई। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।